हेलो दोस्तों, बालाजी लर्निंग सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गवर्नमेंट जॉब सिविल इंजीनियर्स के लिए, और जो कि जवाहरलाल पोर्ट ट्रस्ट ने निकाली हैं। तो दोस्तों, काफ़ी अच्छी सैलरी है, 21,000 से लेके 53,000 तक है, और ये गवर्नमेंट जॉब है। तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। मेरा ये वीडियो बनाने का सिर्फ और सिर्फ यही मोटिव है कि ये इन्होंने जो सीटें हैं वो रिजर्व कर रखी हैं PWD एंड OH वालों के लिए, और अनरिजर्व सीट भी है। तो दोस्तों, रिक्वायरमेंट तो कम है, बट मेरा जो मानना है ये कि अगर हमारे नॉलेज में अगर कोई भी बंदा PWD या फिजिकली चैलेंज बंदा है जिसने डिप्लोमा किया है या ग्रेजुएशन किया है, तो हम उसकी हेल्प कर सकते हैं दोस्तों। ठीक, अगर आप ये वीडियो या ये लिंक या जो भी है ये न्यूज़ ये नोटिफिकेशन अगर कुछ भी उस बंदे को शेयर करते हैं, तो उस बंदे उस अगर वो बंदा इस न्यूज़ को देखता है और वो अप्लाई करता है, उसे जॉब मिल जाती है, तो वो सबसे बेस्ट है। क्योंकि आप सभी जानते हो, प्राइवेट सेक्टर में जो फिजिकली फिट बंदे होते हैं उन्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बट अगर जो फिजिकली चैलेंज बंदे होते हैं उन्हें सर्वाइव करने के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों, ज़्यादा ना बोलते हुए बस यही बोलना चाहता हूँ कि चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी दबाना बिल्कुल ना भूलें। ठीक दोस्तों, हेलो दोस्तों, तो जवाहर नेहरू पोर्ट ट्रस्ट ने ओपनिंग्स निकाली हैं सिविल इंजीनियर्स के लिए, और काफ़ी आकर्षक सैलरी भी पे कर रहे हैं वो लोग। तो कैसे रिक्रूटमेंट होना और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, मैं इसके बारे में डिटेल में बात करता हूँ। ठीक है, रिक्रूटमेंट आप जूनियर इंजीनियर, ठीक है, तो आगे इन्होंने दे रखा है कि ऑनलाइन स्टार्टिंग डेट है हमारी जब से हम फॉर्म भर सकते हैं, वो है 22 फेब और 15 मार्च तक हम इसे भर सकते हैं। तो इन्होंने एग्जामिनेशन डेट भी दे रखी है, अब मार्च और अप्रैल में कंडक्ट कराएंगे ये लोग। ठीक दोस्तों, जो ओपनिंग्स हैं यही प्रॉब्लम है कि सिर्फ दो ओपनिंग है और इन्होंने रिजर्वेशन कर रखा है इसका, अनरिजर्व्ड एंड PWD एंड OH। दोस्तों, मैं इस PDF का या इस नोटिफिकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहां से विजिट कर सकते हैं। और काफ़ी कुछ डिटेल में है, सारा कुछ बनाना तो कठिन है, लेकिन जो मेन मेन है वो मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को। और बाकी लोग आप लोग वहां से डायरेक्ट विजिट करके आप अप्लाई भी कर सकते हो, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, और इसकी नोटिफिकेशन को डाउनलोड भी करके आप देख सकते हो। तो दोस्तों, इन्होंने PWD के लिए बताया है कि डिजेबिलिटी ऑफ वन लेग और वन आर्म और बोथ लेग्स। ठीक, फिर इन्होंने दिया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा है, जैसे सिटीजन इन इंडिया, सब्जेक्टेड ऑफ नेपाल एंड सब्जेक्टेड ऑफ भूटान। ठीक दोस्तों, मिनिमम एज भी दे रखी है इन्होंने 18 ईयर एंड मैक्सिमम 25 ईयर्स, जो कि वो है 1 फरवरी 2018 से रिकॉर्ड होगी। और एज रिलैक्सेशन है शेड्यूल कास्ट के लिए, अगर बंदा शेड्यूल कास्ट है तो वो है 5 ईयर, और बैकवर्ड का नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 ईयर, एंड पर्सन विद डिजेबिलिटी के लिए 10 ईयर, जो कि है उन्होंने दे रखा है। अब सबसे ज़रूरी बात है कि इसकी जो सैलरी है वो क्या है, 21,000 से 53,500 रुपये ये पे करेंगे। उसके लिए एसेंशियल क्या है, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग आर इक्विवेलेंट फ्रॉम द बोर्ड एंड इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड 3 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन, यहाँ दिया है 3 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन सिविल कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस में। ठीक, वर्किंग नॉलेज हिंदी एंड मराठी दो लैंग्वेज आनी चाहिए। और इन्होंने क्या है कि आगे दे रखा है, जैसा कि मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, इन्होंने जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन का शेड्यूल दे रखा है कि मैक्सिमम मार्क्स सब्जेक्ट का नॉलेज हो, जैसे कंस्ट्रक्शन से नॉलेज, इंग्लिश का नॉलेज के लिए 10 नंबर दे रखे हैं, मराठी लैंग्वेज के लिए उन्होंने 5 दिए हैं और हिंदी लैंग्वेज के लिए 5। रीजनिंग का जो मैक्सिमम मार्क्स रहेगा वो 10 है, और जनरल अवेयरनेस से भी 10 नंबर, मतलब एक एक नंबर के 10 क्वेश्चन आएंगे, एंड क्वांटिटी एप्टीट्यूड से भी 10 क्वेश्चन ही आएंगे, यानी कि टोटल जो है वो 100 मार्क्स का होगा। ठीक दोस्तों, और जिसके लिए वो टाइम दे रहे हैं आपको 120 मिनट्स।
सिलेक्शन प्रोसीडर क्या है इनका? ठीक, तो यहाँ पे दिया हुआ है बेसिक परफॉर्मेंस ऑफ ऑनलाइन एग्ज़ाम्स एंड एक्सपीरियंस, एडिशनल क्वालिफिकेशन ऑफ पैप स्टूडेंट एंड स्टेटस ऑफ कैंडिडेट्स। ठीक है, बाकी सारी डिटेल यहाँ पे अवेलेबल हैं, आप लोग यहाँ विज़िट करके काफ़ी अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, मैं और भी कुछ बता दे रहा हूँ, भी शायद नीचे होना। इन्होंने इनकी एक वेबसाइट है www.jnpoor.government.in, आप लोग वहाँ जाके इसे कैरियर मेनू पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो। सॉरी। ठीक दोस्तों, बाकी इन्होंने डिटेल दे रखा है कि इमेज फ़ोटो का साइज़ क्या होना चाहिए, स्कैनिंग, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए, एडमिट कार्ड का इसे विजिट करना है, तो यहाँ पे सारा इनके नोटिफिकेशन में अवेलेबल है, आप लोग वहाँ जाके इसके लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा वहाँ से आप लोग विजिट कर सकते हैं। इन्होंने ये भी दे दिया है फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट्स टू बी प्रोड्यूस्ड बाई अ कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट एंड और शेड्यूल ट्रिब्यूट इन सपोर्ट ऑफ हिज एंड हर क्लेम। तो ये सब चीज़ें भर के फिल करके आप लोगों को अप्लाई करना है, और बहुत ही ज़रूरी है उन बंदों के लिए जैसे पीडब्ल्यूडी के हैं, तो उनका क्या रहता है कि प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स इतनी आसानी से नहीं रहती, क्योंकि वहाँ बहुत ही मेहनत मांगते हैं, और ये उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। अगर आपका कोई फ्रेंड ऐसी सिचुएशन में है तो आप लोग उससे शेयर करके उसकी हेल्प कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, तो थैंक यू। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जाके नीचे सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबा लें, जिससे मैं लेटेस्ट वीडियोस आप लोगों तक पहुंचते रहें। एक चीज़ और दोस्तों, कि इनका जो सिलेक्शन प्रोसेस वो है कि एग्ज़ामिनेशन में कितना परसेंट, तो वो है 40%। ठीक दोस्तों, धन्यवाद, हो गया काम।